हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लेक्चर्स। सो आज हम बात करेंगे बीएफए के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से आप एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। यहाँ पे हम 5 एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाने वाले। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अच्छे से डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स करना चाहते हैं, जैसा कि ये 4 साल का कोर्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोर्स को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आप फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट या इनमें जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप एक बीएफए कोर्स अच्छे यूनिवर्सिटी से कीजिए। यहाँ पे गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, बीएफए के लिए बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, कुछ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है PHU UET बैच ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो उसके लिए आपको PHU UET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PHU PET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12th अगर आपने पास आउट किया है किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 50% के साथ, तो आप PHU UET एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप बीएफए कोर्स कर सकते हैं जो कि 4 साल का होता है। नेक्स्ट है DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे NTA कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप बीएफए कोर्स कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन दिया गया है। तो टोटल 7 कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी या इसके एफिलिएटेड कॉलेज से ऑफर किए गए हैं, लाइक BFA इन अप्लाइड आर्ट, BFA इन विजुअल कम्युनिकेशन, BFA इन पेंटिंग स्कल्पचर, PFA इन हिस्ट्री, प्रिंट मेकिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। सो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपका 4 साल का कोर्स है और जो भी स्पेशलाइज्ड कोर्स है वो आपका 3 साल का कोर्स है। यहाँ पे गाइस फीस आपकी बहुत कम पड़ती है, अराउंड 50,000 to 55,000 आपका टोटल कोर्स फी लग जाता है। सो काफ़ी कम फीस है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। नंबर 3rd है JMI एंट्रेंस टेस्ट। सो जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेने के लिए आपको JMI एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, और इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th आपने पास आउट किया है मिनिमम 50% के साथ और कोई भी स्ट्रीम है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आपकी जो फीस है बहुत कम होती है, लगभग 40,000 to 45,000 आपका टोटल कोर्स फी लग जाता है BFA कोर्स के लिए। यहाँ पे टोटल 4 कोर्सेज ऑफर किए गए हैं। BFA आप अप्लाइड आर्ट से कर सकते हैं, आर्ट एजुकेशन, पेंटिंग या फिर स्कल्पचर से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, दैट इज JNAFAU। तो JNAFAU बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू आप BFA कोर्स कर सकते हैं एंड BFA कोर्स में कुछ स्पेशलाइजेशन भी ऑफर किए गए हैं। सो BFA आप अप्लाइड आर्ट से कर सकते हैं, एनिमेशन से कर सकते हैं, BFA इन फोटोग्राफी, BFA इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर से कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लास 12th में किसी भी परसेंटेज के साथ आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ 12th पास आउट किया है तो आप एलिजिबल हो, बट आपकी यहाँ पे एज लिमिट है 21 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है, तो इससे पहले ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे 85% का सीट रिजर्व्ड रहता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी एंड वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी एरिया के लिए। सो अगर आप इन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप JNAFAU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है महाराष्ट्र के AACCET एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाली थी बेसिकली, बट आप ये भी दे सकते हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू आप तभी एडमिशन ले सकते हैं जब आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल महाराष्ट्र हो, या तो आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल महाराष्ट्र, या फिर आपके पेरेंट्स दैट इज़ आपके फादर या मदर, या फिर आपके गार्जियन में किसी एक का भी अगर स्टेट ऑफ डोमिसाइल महाराष्ट्र है तो आप एलिजिबल हो। तो बेसिकली आप इसके लिए जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक कर लीजिएगा, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे आप डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल 5 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिसके थ्रू आप BFA कोर्स कर सकते हैं।
गाइस बीएफए में कुछ स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र किए जाते हैं, सारे ही यूनिवर्सिटी में सारे स्पेशलाइजेशन ऑफ़र नहीं किए जाते, तो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो आप कोर्स कर सकते हैं। बीएफए से रिलेटेड अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन या उससे करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जो भी बीएफए कोर्स करना चाहते हैं ताकि वो भी इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। सो आज के बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।